तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आज हमारे पास है एक ये मोबाइल लीफोन W7। आप देख सकते हैं ये लीफोन कंपनी का मोबाइल है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूएस टेक चैनल और मैं उमाशंकर। तो आपको हम बताने वाले हैं इस लीफोन W7 मोबाइल में क्या समस्या है। इसमें समस्या कस्टमर के द्वारा बताया गया है कि इसमें चार्जिंग की समस्या है। तो चालू करके देखते हैं मोबाइल को। आप देख सकते हैं कि मोबाइल हमारा चालू नहीं हो रहा है फ़िलहाल अभी। तो इसकी बैटरी सबसे पहले हम बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने के बाद इसको डीसी मीटर के द्वारा, मल्टीमीटर के द्वारा इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको हमने रख लिया है और डीसी 200 रेंज की पे सेट पे हमने लगा दिया। 200 डीसी 200 रेंज पे सेट कर दिया है हमने। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कितना चार्ज है बैटरी, क्या कारण है। तो आप देख सकते हैं कि बैटरी भी हमारी चार्ज नहीं है, 1.4 चार्ज है। तो ये बैटरी भी हमारी चार्ज नहीं है, इसको 3.5 के समथिंग होना चाहिए तो हमारा मोबाइल इससे चालू होता। फिलहाल अभी चार्जिंग के लिए भी कस्टमर ने बताया है, तो सबसे पहले हम इसकी चार्जिंग भी देख लेते हैं। फिलहाल चार्जिंग अंदर भी नहीं दिख रही है, तो ख़राबी है। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल को खोल लेते हैं। तो ये हमने खोल दिया है, ये हमने मोबाइल को खोल दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो टच का पट्टा है यहाँ पे खार टाइप की जमी हुई है। तो ये यहाँ पे टच के पत्ते के पास जो है कि हमको वाटर डैमेज लग रहा है। सबसे पहले हम टच का पत्ता जो है बाहर निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये टच का पत्ता भी हमको समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि इसके प्रिंट थोड़ा ख़राब हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसके आसपास भी, जैक के आसपास भी खार जम चुकी है पूरी तरह से। तो ये हमारा, ये समझ लीजिए कि ख़राब ही है। तो ये टच की इसकी प्रॉब्लम हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से इसको, अगर कस्टमर ने कहा कि इसको भी सही कर दो, तो हम टच की भी प्रॉब्लम इसकी दूर करके दिखाएंगे दूसरे वीडियो में। फ़िलहाल अभी हम चार्जिंग के लिए बोला है, तो चार्जिंग इसकी हम सही करके दिखाने वाले हैं। अगर कस्टमर ने कहा तो अगला वीडियो हम इसकी टच का लेके आने वाले हैं। तो ये हमने टच का निकाल दिया था और अब हम निकाल रहे हैं डिस्प्ले का जैक जो है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है वाटर डैमेज की। आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले का पट्टा है, तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं बोर्ड को। तो निकाल देते हैं बड़ी आसानी से, ये हमारा बोर्ड बाहर निकल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमको इसकी चार्जिंग चेंज करनी है। फिलहाल ये बोर्ड तो हमने इस वजह से निकाल के रख दिया है, पीसीबी बोर्ड, कि देख लें कहीं वाटर डैमेज तो नहीं है, समस्या कहाँ है, कहीं कोई पट्टा डिस्टर्ब तो नहीं है चार्जिंग के लिए। तो फिलहाल हमने इस चार्जिंग बोर्ड को भी बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो अपन को करना क्या है कि इस चार्जिंग को चेंज करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी चार्जिंग भी कुछ ज़्यादा ही पुरानी और जम चुकी है और बिल्कुल बेकार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना जंग टाइप का लगा हुआ है, बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है, अपने आप ही हिल रही है, देख सकते हैं बिल्कुल ही निकल चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपको इसी की जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको जो है बाहर निकालेंगे पहले हम, इसके बाद इसमें दूसरा जैक जो है फंसा के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिक्विड पेस्ट है।
ठीक है, तो ये हमने जैक पहले निकाल दिया था इसका, और अभी हम इसके प्रिंट जो है क्लियर कर लेते हैं। देख सकते हैं आपके 5 के 5 प्रिंट हमारे बिल्कुल सेफ हैं, और अभी हम इसमें दूसरा नया जैक जो है लगाने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बगल में लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और प्रयास करते हैं हम कि हमेशा टेक्निकल से संबंधित वीडियो आपके पास पहुँचते रहें। तो अपन को क्या करना है कि चार्जिंग जैक जो है हमारे पास, इसमें हम सोल्डिंग कर रहे हैं पहले, ताकि हम सोल्डिंग करते समय पे ये हमारी सोल्डिंग अच्छे से हो जाए। तो इसमें हम पहले से भी सोल्डिंग कर लेते हैं, पेस्ट पहले लगा दिया था और अभी हम इसमें सोल्डिंग जो है कर ली है हमने। और सोल्डिंग करने के बाद इसको हम अच्छे से वहाँ पे सेट कर देंगे, साइड में भी लगा लेते हैं थोड़ा, क्योंकि यही चीज़ तो बोर्ड में सेट होगी। तो पेस्ट हमने यहाँ भी लगा दिया है। तो अभी अपन को करना क्या है कि इसको रख के और हॉट गन की मदद से इसको जो है सेट कर देना है। तो सबसे पहले अपन को एक इस तरीके की पत्ती लेनी होगी, और वो पत्ती अपन को पीछे लगा देनी है, क्योंकि छोटे छोटे पुर्जे लगे रहते हैं, और हॉट गन की मदद से अगर इस्तेमाल किया हमने हॉट गन को, तो कई बार ज़्यादा हीट हो जाने के चलते अपन को पता भी नहीं चलता है और कोई भी पुर्जा शॉर्ट हो जाता है। तो हमने इस पत्ती का जो है इस्तेमाल किया है, तो ये ख़राब बोर्ड जो भी होते हैं उनमें से कोई भी पत्ती निकाल लें आप, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का हमने क्लैंप इसमें लगा दिया है पहले से, ताकि हॉट गन का इस्तेमाल करेंगे हम तो हमारे कोई भी पुर्जे शॉर्ट होने का डर हमको नहीं है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जब भी कोई इस तरीके की चेंज करें चार्जिंग, तो नीचे अगर उसके छोटे छोटे पुर्जे हैं तो उसके पीछे एक बार ये छोटा सा बोर्ड ज़रूर लगा लें, ताकि कोई और दिक्कत ना हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से रख लिया है, और नीचे हम इसके अभी हॉट गन लगाने वाले हैं। तो ये इसमें हम तो हम नीचे हॉट गन लगाया हुआ है, और इसकी मदद से हम इस चार्जिंग को इसमें लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने चार्जिंग जैक को फिक्स कर दिया है, और चार्जिंग जैक को फिक्स करने के बाद, लगाने के बाद, अभी हम इसको क्लैंप को निकाल देते हैं, और जो पत्ती पीछे लगी थी वो भी हमने निकाल दी है। देख सकते हैं हमारा जैक इसमें लग चुका है, आपको जूम करके दिखाया हमने। तो करना क्या है, एक बार और अच्छे से, कहीं लूज रहें ये टाके तो उसके लिए एक बार फिर से सोल्ड लगा देना है इसके ऊपर से। एक बार फिर से सोल्ड लगा लिया है, और आपको थोड़ा पतली सी आयरन जो है लेनी है, उसके मदद से ये प्रिंट को सोल्ड कर देना है। तो ये हमने सोल्ड कर दिए हैं, अभी हम आपको जूम करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे ये सही से सोल्ड हो चुकी है चार्जिंग जैक। तो अभी अपन को करना कुछ नहीं, अभी इसको पैक करके एक बार देख लेते हैं। तो अभी तो अपन को सिर्फ़ इसकी चार्जिंग सही करके कस्टमर को देना है, और कस्टमर अगर हमसे कहेगा कि इसकी टच भी सही कर दो, तो फिर टच पे भी दिमाग लगाया जाएगा फ्रेंड्स। अभी तो फ़िलहाल कस्टमर ने ही नहीं बताया कि एक बार्डर डैमेज भी था। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, हमने इसको पैक करने का सिस्टम है, तो अभी हम इसको पैक कर रहे हैं। जैसे निकाला था वैसे के वैसे ये सभी चार्जिंग जैक और जो भी जैक थे, जितने भी जैक थे, ऑन ऑफ बटन, ये सारी चीज़ लगा दी हैं, और अभी हमने इसको चार्ज पे लगा दिया है।
तो चार्ज पर लगाने के बाद देखते हैं कि ये हमारा चार्ज होता है या नहीं। फिलहाल अभी तो चार्ज नहीं हो रहा है, ये चालू करके देखते हैं। चालू होने पर भी नहीं हो रहा है, चालू करने पर भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि अभी बैटरी ज़्यादा ही डीप में हो, तो थोड़ा रख देते हैं, थोड़ी देर में इसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको देखते हैं कीपैड को दबा के क्या होता है। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कि हमारा चार्ज होने लगा है, बैटरी हमारी डीप में भी थी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बगल में लगी नोटिफिकेशन को दबा